This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। कर्नाटक में परेशान किरायेदारों ने छेड़ी किराया कानून को लागू करने की मुहिम। स्पष्ट कानून किरायेदार और मकान मालिक दोनों के लिए बेहतर होगा। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और महंगी मुंबई में किफायती घरों का वादा पूरा होने के आसार हैं या नहीं। बेंगलुरु में किरायेदारों ने मकान किराए पर लेते वक्त या उसे वापस देते वक्त आने वाली दिक्कतों से परेशान होकर मकान मालिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें सबसे अहम मुद्दा है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, यानी वो रकम जो मकान किराए पर देते वक्त मकान मालिक अपने पास रखवाता है। कविता डेविस बेंगलुरु में रहती है। 6 बार घर बदल चुकी हैं और हर बार सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने कई घर बदले लेकिन हर बार सिक्योरिटी डिपॉजिट की समस्या होती है। मसलन 3 लाख रुपए जमानत दी लेकिन वहां से जाने पर घर को हुए नुकसान का बहाना बनाकर पैसे काट लिए गए और 50,000 रुपए ही लौटाए। ऋषल चंदन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पहले मकान मालिक ने 10 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट में से अलग अलग बहाने बनाकर 60% से ज्यादा हिस्सा काट लिया। दूसरे लोगों से भी इसी तरह की शिकायतें सुनने के बाद इन्होंने 2011 में प्रस्तावित कर्नाटक सरकार के आदर्श किरायेदार कानून को लागू करने के लिए ऑनलाइन मुहिम चलाने का इरादा किया। कर्नाटका रेंट एक्ट में एडवांस या डिपॉजिट का जिक्र नहीं है। बस इतना है कि मकान मालिक और किरायेदार आपस में तय करेंगे, जो बिल्कुल साफ नहीं है। इसलिए अगर कानून हो तो वो मकान मालिकों को बताया जा सकता है कि ऐसा करना अवैध है। अभी तक 3,000 बेंगलुरु निवासी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। प्रस्तावित किरायेदारी कानून में किरायेदार और मकान मालिक के विवाद सुलझाने के लिए एक विशेष अदालत और अपील अदालत की स्थापना, किराए के आकलन का तरीका और सर्वाधिक जमानत की रकम के अलावा किरायेदारों और मकान मालिकों के अधिकार और फर्ज दोनों का जिक्र है। कर्नाटक में किराया नियंत्रण कानून के दायरे में फिलहाल सिर्फ वही घर आते हैं जिनका किराया 3,500 रुपए प्रति महीना से कम है। मौजूदा कानून के तहत किरायेदार के अधिकारों का हनन तभी माना जाता है जब मकान मालिक घर खाली करवाने के लिए किरायेदार की बिजली और पानी जैसी सुविधाएं काट दे। किरायेदार को भी करार की अवधि के अंदर ही उसे फिर से जारी करवाना होता है, वरना मकान मालिक 15 दिन का नोटिस देकर घर खाली करने को कह सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किरायेदारों को भी करार में अपनी शर्तें लिखवानी चाहिए। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रहे हैं उसके करार में जरूर लिखें, और साथ ही ये भी कि किस वजह से मकान मालिक उसे काट सकता है। ज्यादा तक हम करार की एक कॉपी लेकर और उसकी फोटोकॉपी बनाते हैं। 2 ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, एक मकान मालिक के पास और एक आपके पास, ताकि किसी भी विवाद के समय आप अदालत में उसके बल पर अपनी दलील दे सकें। तो सपोर्ट योर केस इन कोर्ट। बेंगलुरु से लक्ष्मी शिवदास, NDTV।
तो आखिर कानून क्यों नहीं आ रहा, उसका आना कितना जरूरी है, इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं अरविंद नेगलूर जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, और साथ में है मधुसूदन वाधवानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कृष्णा प्रॉपर्टीज के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, आखिर अगर कानून को लागू किया जाता है जो प्रपोज्ड लॉ है, तो कितना फायदा उसको आपके नजरिए से लगता है कि होगा, न सिर्फ किराएदारों को बल्कि मकान मालिकों को भी? देखिए, ये मॉडल लेजिस्लेशन जो है ये है केंद्र सरकार का जी। ये किराएदार रिश्ते, किराएदार मकान मालिक का रिश्ता जो है वो है एक स्टेट सब्जेक्ट, इसमें केंद्र कुछ नहीं कर सकता है। जो राज्य ने बनाया है कानून वो ही लागू होगा जी। और राज्य का कानून क्या कहता है? राज्य का कानून जैसे आपने बताया रेंट एक्ट 1999 है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट्स टू सम एक्सटेंट जी। चलिए, यहां मधुसूदन आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं, ये 10 महीने का किराया मांगना, क्या ये एक आम जिसे कहते हैं ट्रेंड है हर एरियाज में, हर इलाके में, चाहे वो कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्या ये मांगा जाता है? देखिए, बेंगलोर में तो ये एक बिजनेस ट्रेडिशन हो गई है कि हमेशा 10 महीने का किराया लिया जाता है डिपॉजिट के तौर पे, एंड इट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड वेरी इजीली बाय एवरीबॉडी। तो सब लोग 10 महीने का देते हैं, एंड एक ऑफ केस आपको मिलेगा जहाँ पर कम में भी डील होता है, 6 महीने में भी होता है, 5 महीने में भी होता है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर जी। तो ऐसे में अगर जितनी महंगी लोकेलिटी हो, जितना बड़ा मकान हो, किराए जितना ज्यादा हो, तो डिपॉजिट बहुत बढ़ जाता होगा, तो क्या उससे परेशानी कभी सामने नहीं आती है? नहीं, जो किराएदार बड़ा रेंट भर सकता है तो वो डिपॉजिट भी उस हिसाब से भर सकता है, तो ये मैंने कभी देखा नहीं है कि रेंट जहाँ पर जिस इलाके में रेंट कम है और जिस इलाके में रेंट ज्यादा है वो कुछ फर्क पड़े, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स। अरविंद, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि जो किराएदार इतना पैसा किराए के तौर पे दे रहा है, मान लीजिए 25,000 या 30,000 किराए पे दे रहा है, क्या उसे 10 महीने का किराया देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्या? ये क्योंकि अगर दिल्ली में आप देखें, मुंबई में आप देखें, तो इतना नहीं दे रहे हैं लोग डिपॉजिट। मैंने तो सहमत व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये मार्केट फोर्स है, ये मार्केट फोर्स डिसाइड करता है क्या किराया देना है, क्या एडवांस देना है। आपका दिल्ली का परिस्थिति अलग है जी, लेकिन जो आम लोग हैं, जो किराएदार हैं, वो अब ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी इसमें कोई से मिले, क्योंकि एक तरफ से ये लगता है कि किराएदारों के से थोड़ा सा एंटी है और ज़्यादा इसमें मकान मालिक का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वापस मिलते वक्त कितना पैसा कटेगा ये क्लियर नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कितनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह का पैसा जो कट रहा है उसका ख्याल रखा जा सके? देखिए, किराएदारों को अपना इंटरेस्ट का ख्याल रखना ही चाहिए, दे शुड इंसिस्ट फॉर कपल ऑफ क्लॉजेस दैट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, कितना पैसा वापस मिलना चाहिए और फॉर व्हाट ऑल लैंडलॉर्ड कैन डिडक्ट, ऑल दिस शुड बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जी। अभी फिलहाल अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है इस मुद्दे को लेकर के कितना पैसा कटना चाहिए या कितना पैसा मिलना चाहिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या तरीका है और किस तरह के रिड्रेसल फोरम्स हैं? रिड्रेसल फोरम तो ऐसे सेपरेट रिड्रेसल फोरम नहीं है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो तय करेगा कि कितना कट जाना चाहिए और कितना वापस देना चाहिए जी। चलिए मधुसूदन, आपसे जानना चाहेंगे कि जब किराएदार आता है और मकान के लिए मकान किराए पे लेना चाहता है, तो 10 महीने का जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब काटा जाता है तो किस बेसिस पे काटा जाता है?
एक्चुअली एक तो पहली बात है कि जब डील होता है तब थोड़ी नेगोशिएशन होती है, तो कुछ महीने 10 महीने के नहीं भरते हैं तो 8 महीने के भरते हैं डिपॉजिट, एंड जब काटने का समय आता है, मेरे 12-15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो मैंने शायद एक ही केस देखा होगा जिसमें लैंडलॉर्ड ने काटा, और एक्सट्रीमली फेयर, जो एक्सट्रीमली फेयर मैं बोल रहा हूँ कि जो पेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है या किराएदार के बच्चों ने पूरे दीवार खराब कर दिए या उन्होंने मेंटेनेंस नहीं भरा 1-2 महीने का या बिजली का बिल नहीं भरा, तो जो भी काटा जाता है वो एकदम फेयर है. मेरे एक्सपीरियंस में जिनसे मेरा डीलिंग हुआ है दे हैव बीन वेरी फेयर पीपल, और किसी ने इसे ज्यादा काटने की कोशिश नहीं की है. चलिए इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो मुद्दा ये है कि किराएदार कुछ हैं जिनको अभी इस पूरे सिस्टम से आपत्ति है, लेकिन वहीं कई लोगों का कहना है कि एक मार्केट सिस्टम है, मार्केट फोर्सेस इसको गवर्न कर रही हैं, लेकिन क्या ये कानून अगर आता है तो इससे इस पूरे झगड़े का कोई हल निकलेगा ये या नहीं, ये देखने लायक होगा. फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब.